हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युतीय ध्रुव को घुमाने में क्या क्या कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हमें करनी है। हमने एक ऐसा ही डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, जिसमें हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघोण की गणना करी थी। आपको ध्यान हो तो वह बलाघोण हमारा निकल के आया था टाउ बराबर निकल के आता P × E × साइन थीटा, जहां थीटा यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ बनाता है कोण। तो हम कहते हैं, मान लेते हैं यह थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, इसको मैं घुमाना चाह रहा हूं वैद्युत इस द्विध्रुव को, यहां से ऐसे इसको टर्न करवाना चाह रहा हूं, घुमाना चाह रहा हूं। तो मान लेते हैं सबसे पहले मैं सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाता हूं, तो हम सूक्ष्म कोण बना रहे हैं यहां पर। मान लेते हैं ये जो कोण है, इस कोण को हम कह रहे हैं ये सूक्ष्म कोण है डी थीटा। तो हम कहते हैं सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो चूंकि हम कोण छोटा घुमा रहे हैं, इसलिए किया गया कार्य भी सूक्ष्म होगा, तो किया गया कार्य मान लेते हैं dW। जिस प्रकार रैखिक गति में कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, इस प्रकार घूर्णन गति के लिए कार्य बराबर होता है बल की जगह आ जाता है बलाघूर्ण गुणा विस्थापन की जगह आता है कोणीय विस्थापन। तो यहां आ जाएगा टाउ गुणा साथ में आ जाएगा हमारा डी थीटा। पी टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यह हमने पिछला डेरिवेशन किया था उससे आता है, तो यह आ गया P × E × sin θ × dθ। ये हमारा किया गया सूक्ष्म कार्य है dW। अब मान लेते हैं कि मैं इस वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण थीटा कोण में घुमा करके, मान लेते हैं यह जो पहले वाला कोण था, यहां से लेके यहां तक का जो ये कोण था, ये मान लेते हैं थीटा वन कोण है, और इसको मैं यहां से इतना घुमाना चाह रहा हूं, और इस कोण को मैं नाम देता हूं, मान लेते हैं यह वाला जो कोण है, यह कोण जो है वो है थीटा टू। कहने का अर्थ है इसको वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा वन कोण में पहले से है, इसको घुमा करके मैं थीटा टू कोण पर लाना चाह रहा हूं। तो मैं लिखता हूं अर्थात द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालेंगे तो इसी का इंटीग्रेशन करते हैं, इसी हो जाएगा डी डब्ल्यू, इधर का भी समाकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा P × E × sin θ × dθ। अब हम थीटा वन से थीटा टू कोण घुमा रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ थीटा वन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा थीटा टू कोण। किया गया कुल कार्य का समाकलन करेंगे तो ये डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर हम एक सूत्र जानते हैं, हमारा सूत्र होता है चूंकि समाकलन sin θ × d θ बराबर हमारा होता है -cos θ। तो इसमें यदि PE को यदि हम बाहर ले लें, हम यहाँ पर लिख लें PE, क्योंकि कांस्टेंट है, डी के साथ थीटा का अर्थ है कि केवल थीटा ही जिस चीज में होगा वही वेरिएबल होगा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट होगी। तो हमने PE को बाहर ले लिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन में आ गया थीटा वन से थीटा टू, साथ में आ गया sin θ × d θ। sin θ का समाकलन होता है -cos θ, तो हम लिखेंगे बराबर P × E − cos θ, और साथ में आ जाएगा थीटा वन से लेकर थीटा टू तक। पहले की तरह हम एक बार थीटा टू रखेंगे यहां पर, और एक बार थीटा वन रखेंगे, बीच में माइनस का निशान लगा, तो पहले माइनस से तो बाहर का माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -PE, ब्रैकेट में आ जाएगा cos θ2 − cos θ1। तो ये हमारा किया गया कार्य, क्या आ गया डब्ल्यू आ गया। हम कहते हैं
माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो हमारा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर आ जाएगा पी इंटू ई ब्रैकेट आ जाएगा कॉस, ये पलट जाएंगे माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो यह हमने किया गया कार्य जो कृत कार्य है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, वह हमने इसको निकाल लिया। अब हम कहते हैं कि मान लेते हैं मैं वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहा हूं, तो अनंत से ला रहा हूं तो मैं ये मान सकता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव मेरा इस प्रकार से खड़ा है, अनंत से ला रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो इससे क्या होगा इसके अंदर वैद्युत द्विध्रुव के अंदर एक स्थिति ऊर्जा संचित हो जाएगी, और साथ में मैं इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहा हूं एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के भीतर और साथ में इसे थीटा डिग्री के कोण पर घुमा रहा हूं। तो प्रारंभ में मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा था और तब हम इसे अनंत से लाए, तो हम लिखते हैं अब हम निकालना चाह रहे हैं वह है स्थिति ऊर्जा, लिखते हैं माना स्थिति ऊर्जा निकाल रहे माना द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत विद्युत क्षेत्र ई में लाकर घुमाया जाता है। तो इसे हम अनंत से इस तरीके से ला रहे हैं, ये धन वाला सिरा मान लेते हैं ऊपर का सिरा है और ये ऋण वाला सिरा ये नीचे का सिरा है, इसे अनंत से ऐसे ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के भीतर और तब यहां ला करके इसको ऐसे घुमा रहे हैं। तो जो हमारी स्थिति ऊर्जा होगी वह दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक तो इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और दूसरा इसको घुमाने में किया गया कार्य। तो हम कहते हैं जब हम इसे अनंत से लाएंगे, इस प्रकार से अनंत से लाएंगे क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसका अर्थ यहां बहुत शक्तिशाली एक कहीं धनावेश होगा, तो इस वाले धनावेश पर, इस धनावेश पर जब हम ऐसे लाएंगे इस पर तो लगेगा प्रतिकर्षण बल जो इधर की ओर लगेगा, तो हम उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, और नीचे वाले पर ये जो नीचे वाला है इस पर लगेगा आकर्षण बल क्योंकि ये ऋणावेश है इधर धनावेश है, तो इस पर एक आकर्षण बल लगेगा यानी कि हमें यहां पर कार्य प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि माइनस क्यू आवेश पर हमें कार्य प्राप्त होगा तथा प्लस क्यू आवेश पर हमें कार्य करना होगा, अतः परिणामी कार्य जिसको हम डब्ल्यू वन कह रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। भाई प्लस क्यू आवेश है, हम इसे अनंत से ला रहे थे तो प्लस क्यू आवेश पर तो इधर बल लग रहा था, तो हम इस पर इधर से बल लगा करके विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो ये हमने कार्य अपने आप से किया। लेकिन नीचे वाले आवेश पर तो स्वतः ही ये इसको खींच रहा होगा, तो इस पर हमें कार्य प्राप्त हुआ, इस पर हमने कार्य किया, तो जो क्योंकि ये लंबवत है इसलिए परिणामी कार्य कितना है, शून्य आगे डब्ल्यू। अब हम लिखते हैं यदि हम इसको थीटा डिग्री का कोण घुमाए, तो हम लिखते हैं थीटा कोण घुमाने पर माना कार्य बराबर है डब्ल्यू टू। तो प्रारंभ में ये कहां था, वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा था, लंबवत था, तो हम लिखते हैं चूंकि थीटा वन बराबर है 90 डिग्री
थीटा टू को यदि मैं ले लूं थीटा, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो किया गया कार्य डब्लू टू बराबर पी इंटू ई, साथ में कॉस थीटा वन का माना गया, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0, ये हमारा आ गया। कॉस 90 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये आ गया 0 माइनस ये है कॉस थीटा, तो ये हमारा कार्य निकल के आ गया माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा के बराबर। तो यदि इस कार्य को हम कहेंगे डब्ल्यू टू है, तो हम लिखेंगे कुल कार्य अर्थात इसको हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अनंत से इस प्रकार से ला रहे हैं इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो हमने कहा दो कार्य होंगे, एक तो इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, जो कि हमने कहा डब्ल्यू वन बराबर 0 होगा, दूसरा इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाने में किया गया कार्य, वो हमारा हो गया डब्ल्यू टू। तो किया गया कुल कार्य डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ये हमारा 0 प्लस डब्ल्यू टू के बराबर होगा, और डब्ल्यू टू हमारा माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा के बराबर। और यही किया गया कार्य इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा जिसे हम यू से प्रदर्शित कर रहे हैं इस रूप में संचित हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे इसकी स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब हम इसकी यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा की दो स्थितियों के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्थायी साम्यावस्था तथा अस्थायी साम्यावस्था। तो हमारे पास सूत्र है यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, हम लिखते हैं यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, यह हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले स्थायी साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, हम क्या कहें स्थायी साम्यावस्था, या जिसे हम स्थायी संतुलन भी कहते हैं। स्थायी संतुलन कब होगा, जब स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, और स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम तो हम जानते हैं, यदि कोई संख्या ऋणात्मक होती है तो न्यूनतम होती है, 0 की तुलना में भी वो ज्यादा कम होती है। तो कॉस थीटा का मान यदि 0 हो जाए 1 हो जाए तो हम कहेंगे यह साम्यावस्था स्थायी साम्यावस्था। तो हम लिखते हैं यदि थीटा बराबर हो जाए 0 तो कॉस 0 की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी 1, तो हमारा यू का मान हो जाएगा यू बराबर माइनस पी इंटू ई इंटू साथ में हमारा आ जाएगा कॉस 0, तो यू बराबर आ गया माइनस पी ई, यह हमारी कहलाती है स्थायी साम्यावस्था। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि थीटा बराबर 0 क्या है, जब यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ इस प्रकार से रखा जाए तो यह वैद्युत क्षेत्र से थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यह जो स्थिति होगी कि यह धन आवेश, मान लेते हैं यह वाला धन आवेश ये है और ऋणावेश ये वाला है, तो यदि ये इस तरीके से रहेगा तो इस धनावेश पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, ऋणावेश पर बल लग रहा है इस दिशा में लग रहा है, तो यदि ऐसे रहेगा तो इस स्थिति को कहेंगे हम साम्यावस्था, जो कि स्थायी होगी। दूसरी स्थिति लेते हैं जिसे हम कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था, हम कहें यदि थीटा बराबर हो जाए 180 डिग्री, तो हम जानते हैं कॉस 180 डिग्री बराबर किसके हो जाता है माइनस 1, यह मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये लिखते हैं यू बराबर हो गया माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस 180 डिग्री, तो ये हो गया माइनस पी इंटू ई और साथ में आ जाएगा कॉस 180 का मान माइनस 1, तो ये हो जाएगा यू बराबर पी इंटू ई के बराबर आ जाएगा। और यह जो हमारी स्थिति है यह हमारी कहलाती है अस्थायी साम्यावस्था। ये अस्थायी क्यों हुई, पहले तो समझिए 180 डिग्री का क्या अर्थ हुआ। हमने कहा ये हमारे पास थीटा बराबर ये जो हमारा प्लस क्यू आवेश है मान लेते हैं वो ये वाला है, और ये वाला सिरा माइनस क्यू आवेश है, तो
तो यदि यह सीधा विद्युत क्षेत्र के साथ, यह तो इसका 0 डिग्री का कोण था, यदि इसको हम ऐसे से करके घुमा करके रोटेट करके इस प्रकार से रख दें कि ये धन सिरा यहां पर आ जाए और ऋण वाला सिरा यहां पर आ जाए, तो यह जो कोण बनेगा, यह कोण बनेगा हमारा 180 डिग्री का। अब इसको हम अस्थायी साम्यावस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस धन आवेश पर, यदि मैं यहां पर एक अलग से डायग्राम बना दूं, ये हमने का एक समान विद्युत क्षेत्र आ गया, इस पर मैंने अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति बना ली, ये हमारा आवेश है प्लस क्यू आवेश, ये वाला आवेश है माइनस क्यू आवेश, ये जो कोण बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है, यानी कि इस तरीके से। लेकिन इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, क्योंकि इधर की ओर विद्युत क्षेत्र इधर से इधर जा रहा है, तो इस पर धन आवेश पर जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है और इस ऋण आवेश पर जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है। तो यदि इस विद्युत द्विध्रुव को जरा सा भी मौका मिलता है तो यह कोशिश करेगा कि यह पूरा ऐसा घूम करके ऐसे आ जाए। तो ये वाली जो स्थिति है, ये हमारी थीटा बराबर 0 यानी कि स्थायी साम्यावस्था की स्थिति है। इसका अर्थ है कि यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है तो ऐसे पड़ा तो रहेगा, लेकिन उस पर एक बल काम करेगा जो इसको इधर से ऊपर की ओर धक्का मारेगा और इस वाले को ऊपर से नीचे की ओर धक्का मार करके इसको इस प्रकार से ऐसे करके घुमाने का प्रयत्न करके इस दिशा में लाने की कोशिश करेगा। इसलिए इस स्थिति को थीटा बराबर 180 डिग्री पर जो विद्युत द्विध्रुव की स्थिति होती है, इसे हम अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का अर्थ होता है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु का विभव समान हो, ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक आवेश है, वह प्लस क्यू आवेश है, उसे मैंने एक बिंदु पर रख लिया, मान लेते हैं ओ बिंदु पर रख लिया, और ओ बिंदु से एक आर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया, या हम कह सकते हैं गोला हमने खींचा, इस प्रकार से गोला खींच दिया मैंने, ये वो बिंदु यहां पर है। तो ओ से सभी बिंदुओं की दूरी क्या हो गई, समान होगी, आर होगी गोले की त्रिज्या के बराबर। अब हम यदि इन बिंदुओं पर विभव निकालेंगे तो आप देखेंगे जो विभव का हमारा सूत्र होता है ये 1/4 πε0 q/r के बराबर आएगा, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी। और इसी प्रकार गोले के पृष्ठ पर यदि और बिंदु रहेंगे तो सभी बिंदुओं पर विभव का मान इतना ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि गोले के केंद्र पर यदि प्लस क्यू आवेश है तो उससे समान दूरी पर स्थित यदि एक गोला, हम गोले की कल्पना करें तो गोले के पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा और उसका मान भी बराबर 1/4 πε0 q/R के बराबर होगा। तो गोले के पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर क्योंकि विभव समान है इसलिए हम ऐसे पृष्ठ को कहते हैं वह समविभव पृष्ठ होगा। अर्थात समविभव पृष्ठ से तात्पर्य एक ऐसे पृष्ठ से है जिस पर स्थित सभी बिंदु का विभव समान होगा। अब हम समझते हैं समविभव पृष्ठ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। समविभव पृष्ठ की पहली विशेषता तो हम यही कहते हैं कि सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा। दूसरी विशेषता ये होती है कि इस समविभव पृष्ठ से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, यह वैद्युत बल रेखाएं यह हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। और तीसरी हम कहें तो हम कहते हैं कोई भी दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, अर्थात ऐसा संभव नहीं है कि एक समविभव पृष्ठ दूसरे समविभव पृष्ठ को काट दे। यदि हम दें मान लेते हैं एक समविभव पृष्ठ ये है, दूसरा समविभव पृष्ठ ये है, इस समविभव पृष्ठ का विभव है V1, इस समविभव पृष्ठ का विभव है V2, तो कटान बिंदु पर जो बिंदु आएंगे इनके दो विभव होने चाहिए, V1 भी होना चाहिए, V2 भी होना चाहिए, और एक ही बिंदु पर क्योंकि दो विभव संभव नहीं है इसलिए हम कहेंगे कोई भी दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे वहां पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा कार्य, क्योंकि दोनों बिंदुओं का जब विभव समान होगा तो मान लेते हैं हम दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु हमने ये ले लिया, दूसरा बिंदु ये ले लिया,
इस बिंदु का विभव है, मान लेते हैं ये, चूंकि ए बिंदु है, इस बिंदु का विभव है बी बी, मान लेते हैं ये बी बिंदु है, चूंकि वी ए बराबर है वी बी के, इसलिए यदि वी ए माइनस वी बी जो कि हम निकालते थे डब्ल्यू ए बी अपॉन मान लेते हैं क्यू जीरो लेते हैं, क्योंकि वी ए वी बी के बराबर है इसलिए वी ए माइनस वी बी तो क्या हो जाएगा शून्य, तो ये किसके बराबर है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो आवेश को ले जा रहे हैं, इसकी यहां गुणा होगी तो यह आ जाएगा जीरो बराबर डब्ल्यू ए बी। इसका अर्थ है कि ए से बी तक या बी से ए तक यदि हम क्यू जीरो आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होगा, अर्थात संविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आवेश को ले जाएं तो जो किया गया कार्य वह शून्य होता है।